चुनावी मौसम पूरे सबाब पर है। बीजेपी कांग्रेस में तमाम पार्टियां जनता को साधने के लिए एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। आर्टिकल 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पीएम को निशाने पर लिया है। महबूबा ने कहा, अगर पीएम को लगता है कि कश्मीर खतरे में है तो फिर वो इस खतरे को छोड़ दे। अगर उनको लगता है कि 370 के बिना पर हमारे रिश्ते की बुनियाद है, कश्मीर को छोड़ दें। अब वो कैसे छोड़ना चाहते हैं, क्यों खतरा मोल लेना चाहते हैं इतने सालों से। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी अनुच्छेद 370 को कमजोर करने का आरोप लगाया है। यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह दूसरा की 370 और 35A की वजह से कश्मीर जो है खसारे में है। ठीक है ना, अगर उनको लगता है कश्मीर खसारे में है तो वो फिर इस खसारे को छोड़ दे, छोड़ दे फिर। अगर उनको लगता है 370 जिसकी बिना पे हमारे रिश्ते की बुनियाद है, जिसके बिना पे हमारा इलाक है मुल्क के साथ, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कश्मीर का खसारे में है तो कश्मीर को छोड़ दे। आपका मानना है कि कश्मीर को आज़ाद छोड़ दें? कश्मीर को छोड़ दें। अब वो कैसे छोड़ना चाहते हैं, अगर खसारा है कश्मीर में तो इस खसारे को वो छोड़ दें। क्यों वो खसारा मोल लेना चाहते हैं इतने सालों से। दूसरा एक सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, क्योंकि 370 और 35A के लेकर ही ये चुनाव हो रहे हैं, तीनों पार्टीज का एक ही एजेंडा है, तो ग्राउंड लेवल पर जो आम लोग हैं वो इसको तीन पार्टी से कैसे डिफरेंशिएट। 370 जब आज़ाद साहब यहाँ वजीर आला थे तो उन्होंने हजारों कनाल जमीन श्राइन बोर्ड को अलॉट की थी, उन्होंने उसको 370 के बारे में तो नहीं सोचा। ये तो 370 की तो उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वजीर अजम थे शेख साहब, उन्होंने 75 में इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड करके वजीर आला बन गए। वजीर अजम की पोस्ट उन्होंने खुद ही छोड़ दी। तो इसलिए 370 के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने क्या किया, ये तो लोगों के सामने आयान है। मैं तो लड़ती रही 2 साल, मैंने 370 का भी बचाव किया, 35A का बचाव किया। मैंने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को बता दिया कि अगर आपने 35A के साथ छेड़छाड़ की तो पीडीपी आपकी सरकार से निकल जाएगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज को एश्योरेंस दी थी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस चुनाव से पहले, आप मुतमईन हैं सिक्योरिटी एजेंसीज से?